एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो PSL का आज का मैच होगा जो खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में। 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। पिच रिपोर्ट की बात करूँगा तो ये जो विकेट है बैटर्स को ज़्यादा मदद करता है बॉलर्स के कंपेरिजन में। पहला भी मैच आपने देखा होगा 195 के करीब रन बने थे दोनों इनिंग में, तो मतलब काफ़ी अच्छा बैटिंग ट्रैक रहता है। एवरेज स्कोर 180 से 210 के बीच में बनता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद ना अभी तक तो नहीं मिलती है। शुरू के मैचेस में बिल्कुल यहाँ पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है। एवरेज स्कोर 180 से 210, 18 मैचेस यहाँ पर इन दोनों टीमों के बीच में हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 12 मैच जीते हैं और कराची की टीम ने 6 मैच जीते हैं। तो हेड टू हेड में इस्लामाबाद की टीम का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बारी है। पहले बात अब बात कर लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, एकमात्र मैच हुआ था जो कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता था, वो भी सिर्फ 2 रन से। और उस मैच में फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट फास्ट को स्पिनर्स को 1 विकेट मिला था। सेकंड इनिंग में 5 के 5 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे। तो एक चीज़ तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ही मदद है थोड़ी बहुत, बाकी स्पिनर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद नहीं रही है अब तक। पहले बात कर लेते हैं कराची किंग्स की टीम की। पहला मैच खेली, हारी। ओपन करेंगे मैथ्यू वेड और सर्जिल खान। मैथ्यू वेड इसने 23 रन की पारी खेली थी पहले मैच में, और ओपन अगर कर रहा है ना मैथ्यू वेड और साथ के साथ विकेट कीपिंग भी करता हुआ आपको नज़र शायद आ जाए तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सर्जिल खान पहले मैच में 0 पर आउट हुआ, लेकिन आज ये ट्रंप बन सकता है आपके लिए। रीज़न में अगर आपको बताऊं तो भाई इसका हेड टू हेड में रिकॉर्ड देखो आप, 6 मैच 255 रन, 42 का एवरेज है इसका इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। रीसेंट फॉर्म हालांकि उतना खास है नहीं, 4-32, 7-5-12, और लेकिन हिटर है, आते ही शॉट्स लगाएगा और ये जो विकेट है इसको शूट भी कर सकता है। हैदर अली पहले मैच में 12 रन थे, हेड टू हेड में 4 मैच में 68 सिर्फ 34 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 77-19-1-6-3 है। कासिम अकरम ये इमर्जिंग प्लेयर है, हेड टू हेड में 1 मैच में 51 रन है और पहले मैच में 7 ही रन किए थे। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो लिस्ट में 58-2-32-1-9-0-1 है। तो GL में अगर आप चाहो तो ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग का पिक नहीं है। शोएब मलिक ने बहुत अच्छी नॉक खेली थी 52 की, हेड टू हेड में रिकॉर्ड शानदार है, 17 मैच 399 रन 1 विकेट इंपॉर्टेंट रहेगा। इमाद वसीम 80 रन किए, 3 ओवर भी डाले थे, हालांकि विकेट लेस रहा लेकिन फिर भी इमाद वसीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हेड टू हेड में रिकॉर्ड शानदार है, 16 मैच 204 रन 15 विकेट। फिर आएंगे ऐसे बैन कटिंग, इनकी बात करूँ तो पहले मैच में 9 रन 1 विकेट था, 3 ओवर अपने डाले थे। हेड टू हेड में 5 मैच में 113 5 विकेट है और रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ें कर रहा है बंदा, क्योंकि नंबर 6 के करीब बैटिंग भी कर रहा है साथ के साथ आपको बॉलिंग भी दे रहा है तो इंपॉर्टेंट है। एंड्रू टाई 1 विकेट है और टॉप क्लास बॉलर है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इमरान ताहिर 1 विकेट ज़रूर मिला, लेकिन रन इन्होंने बहुत दिए थे, 7 मैच में 10 विकेट है इनके नाम हेड टू हेड में। ध्यान रखना हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, अगर इसकी टीम सेकंड बॉलिंग करती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। मीर हमज़ा आज अनअवेलेबल है तो इसको टीम में मत रखना। मोहम्मद आमिर पहले मैच में विकेटलेस गया था, हेड टू हेड में 16 मैच में 13 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। तो यहाँ से देखो मैं अभी के लिए पिक करूँगा, मैथ्यू वेड को रखूँगा, शोएब मलिक, इमाद वसीम, बैन कटिंग, एंड्रू टाई और यहाँ से आप रख सकते हो इमरान ताहिर को। बाकी बेंच में जो प्लेयर हैं इनमें से चांसेस हैं कि आज जेम्स विन शायद खेल जाएं, जिनके नाम हेड टू हेड में 8 मैच में 180-25 का एवरेज है। और बाकी एक और बॉलर भी यहाँ पर खेलेगा जो कि मेरे हिसाब से मूसा खान हो सकता है, अच्छा फास्ट बॉलर है ये। लास्ट सीजन 2 मैच में 0 विकेट था, रिसेंट फॉर्म 21-1 विकेट, 4-0 विकेट, 27-3 विकेट और 11-0 विकेट है। बाकी कोई चेंज मेरे को नहीं नज़र आ रहा। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मोहम्मद आमिर, मीर हमज़ा था लास्ट मैच में लेकिन इस मैच में तो है नहीं, इमाद वसीम, डेथ में आया था बैन कटिंग, मोहम्मद अमीर और एंड्रू टाई। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कोलिन मुंडो और पॉल स्टर्लिंग ओपन करेंगे। कोलिन मुंडो भाई लास्ट सीजन ना सिर्फ 3 मैच खेला था, उसमें 165 रन थे। हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड आप देखो, 3 मैच 122 रन। और इनका जो सिलेक्शन रेट है ना वो बहुत डाउन है। डाउन क्यों है, क्योंकि इनका फॉर्म था ना जो हाल का वो बहुत ख़राब था, 11-1-2-2-6। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कोलिन मुनरो को ये विकेट शूट कर सकता है क्योंकि अच्छा खासा बैटिंग ट्रैक होने वाला है।
पॉल स्टर्लिंग लास्ट सीजन 6 मैच में 200, हेड टू हेड में एक मैच में 39, रिसेंट फॉर्म 0 रन 0 विकेट 0, 39, 19, 21, 0 विकेट। सोएब मकसूद एक और हेटर प्लेयर है पाकिस्तान का, लास्ट सीजन 7 मैच में 139 रन थे, हेड टू हेड में 8 मैच में 145, 29 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 12, नो बैटिंग 1, 61 नॉट आउट 8 है। रास्ती वेंडर डसन टेक्निकली साउंड बैटर है, रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, 49, 24, 43, 51, 20, हेड और करियर में 160 मैच में 4505 रन 3 विकेट है। शदाब खान तो भाई टॉप क्लास प्लेयर है, हेड टू हेड में 15 मैच में 164, 13 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 22, 1 विकेट, 14, 2 विकेट, 14, 3 विकेट, 1 रन 0 विकेट है। और लास्ट सीजन आप रिकॉर्ड देख लो, 9 मैच 268 रन और 19 विकेट थे, बहुत तगड़ी बॉलिंग करवाई थी लास्ट सीजन इसने। आजम खान प्लेयर अच्छा है लेकिन नीचे खेलेगा, नंबर 6 के करीब आएगा तो उतना इंपॉर्टेंट शायद ना रहे, हेड टू हेड में 6 मैच में 128 है, रिसेंट फॉर्म 15, 4, 1, 33, 12 है। आसिफ अली ये भी नीचे ही खेलेगा, नो बैटिंग 8, 9, 5 इसका रिसेंट फॉर्म है, हेड टू हेड में 16 मैच में 290, 2 विकेट है और लास्ट सीजन 12 मैच में 137, 2 विकेट था, लास्ट सीजन इसका कुछ खास नहीं रहा था। फहीम अशरफ की बात करूँ ऑलराउंडर प्लेयर, हेड टू हेड में 11 मैच में 102, 11 विकेट है, लास्ट सीजन 10 मैच में 121, 9 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 9 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 3 रन 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट है। टॉम करन है 166 T20 में 1295 रन, 185 विकेट, रिसेंट फॉर्म 17, 1 विकेट, 42 नॉट आउट, 29, 4 विकेट और 13, 1 विकेट है। हसन अली आएंगे यहाँ पर, देखो हेड टू हेड में 14 मैच में 17 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट है। मोहम्मद वसीम लास्ट सीजन 8 मैच में 8 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट है। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो कोलिन मुनरो, पॉल स्टर्लिंग, रासी वेंडरडशन, शादाब खान। बॉलिंग में यहाँ पर टॉम करन में विकेट टेकर है वैसे तो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इसके कटर उतने काम ना आए और ये ना विकेट लेस चला जाए, लेकिन यहाँ से आप मोहम्मद वसीम को रख सकते हो, फहीम अशरफ को रख सकते हो। बाकी जो बेंच पर प्लेयर है वहाँ पर है अबरार अहमद जो खेल भी सकते हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, T20 में 18 मैच में 19 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट। एलेक्स एल्स अभी अवेलेबल नहीं है। रहमानुल्ला गुरबाज लास्ट सीजन 6 मैच में 139 था, हेड टू हेड में 2 मैच में 15, रिसेंट फॉर्म 56, 1, 7, 46, 29 है, अच्छा फॉर्म है इसका। जिसन जमीर लास्ट सीजन 2 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 और 1 विकेट है। मुबासिर खान लास्ट सीजन 7 मैच में 36 रन, 1 ही विकेट था और हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट, रिसेंट फॉर्म 11, 1 विकेट, 17, 2 विकेट, 29, 0 विकेट है। फजल अक फारूकी अफगानिस्तान के ये बॉलर है, T20 में 39 मैच में 41 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट है। रुमान रईस लास्ट सीजन 6 मैच में 3 विकेट थे, हेड टू हेड में 10 मैच में 13 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट है। हसन नवाज T20 में 5 मैच में 101 रन और रिसेंट फॉर्म 10, 38, 24, 24, 5 है। मोइन अली 264 T20 में 5622 रन, 176 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 94, 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 15, 16, 9, 1, 21, 1 विकेट है। गस एटकिंसन 23 T20 में 33 विकेट, रिसेंट फॉर्म 7, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट है। तयामल मिल्स हेड टू हेड में 4 मैच में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट है, खेलता है तो इंपॉर्टेंट रह सकता है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे हसन अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम, डेथ के ओवर डालेंगे टॉम करन, मोहम्मद वसीम और हसन अली। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में आप देख लो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है मैथ्यू वेड को, बैटिंग सेक्शन से मैंने कोलिन मुनरो, पॉल स्टर्लिंग, सोएब मलिक, रासी वेंडरडसन को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से शादाब खान, बेन कटिंग, इमाद वसीम को रखा है और बॉलिंग सेक्शन से हसन अली, मोहम्मद वसीम, एंड्रयू टाई को रखा है। कैप्टन शादाब खान, वाइस कैप्टन इमाद वसीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।